कैसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हर सब अबिप्स एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तो बच्चों हमारा जो सीरीज है वो कैसे चल रहा था बड़ा ही स्मूथली चल रहा था कैसे क्योंकि हम जो है आज रसायन शास्त्र विभाग का रसायन शास्त्र शाखा का आज हम अंतिम पोर्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कौन सा अंतिम पोर्शन भाई हम जो है देखो 10th साइंस ले रहे हैं भाई आपके लिए 10th साइंस अवेलेबल करा रहा है कहां भाई आपके जो एग्जाम सीरीज मिशन जो चल रहा है 2023 अबिप्स द्वारा उसके अंतर्गत हम कक्षा दसवीं के विज्ञान के सीरीज बोर्ड एग्जाम के सीरीज चला रहे हैं उसमें हम कहाँ पहुंचे हैं हम पहुंचे हैं कहाँ भाई इकाई तीन के चैप्टर नंबर सत्रह चार अंक वाले प्रश्न में बाकी जो है दो अंक वाले प्रश्न और और आपका क्या है और जो है इकाई थ्री का आज एंडिंग कर रहे थे भाई है ना ये तो समझ में आ गया होगा क्यों क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे क्या दैनिक जीवन में डेली लाइफ में यूज होने वाली जो केमिस्ट्री उसके बारे में चर्चा कर रहे थे जो कि आपके चैप्टर नंबर सेवेंटीन है ये रसायन रसायन शास्त्र शास्त्र विभाग का का या फिर रसायन भाग का सबसे लास्ट पोर्शन है भाई उसके बाद फिर हम चलेंगे बायोलॉजी की ओर जीव विज्ञान की ओर भाई तो चलो कुर्सी के बट्टी बांध लीजिए और चार नंबर के जितने भी प्रश्न है उस पर डिस्कशन के लिए चालू हो जाइए तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हमें जनरली क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है ऐसे ऐसे बेसिक्स जो जैसे कि आप यह पाक सोडा दिख रहा है क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट बोला जाता है इन सब के बारे में जानना है ये चार नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है प्रोडक्शन मेथड पूछ दिया जाता है या फिर उसका उपयोग भी पूछ दिया जाता है तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फिर इसी कड़ी में शुरुआत जैसे कर देंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन इससे चार नंबर में पूछे जाती है ठीक है तो चलिए फिर चालू करते हैं भाई पाक सोडा बेकिंग सोडा बोलते हैं जिसे इसके बारे में अगर पूछा जाए कब पूछा गया दो पूछा गया था ये क्या होता है भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट बोला जाता है इसका रासायनिक सूत्र दिख गया रासायनिक नाम दिख गया भाई पता चल गया सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों बेकिंग सोडा सर क्या बोल सकता हूं मैं इसको बेकिंग सोडा अगर कोई बोलेगा सर ये क्या है भाई खाने का सोडा ये तो जानते ही हो बेकिंग सोडा अभी इसका एग्जाम्पल बताने की जरूरत ही नहीं मुझे को क्यों आप गुलगुले भजिया खा रहे हो है ना या फिर पकौड़ा खा खा रहे हो बोल सकता हूँ वो पकौड़े जो खा रहे हो उस वो जो क्यों फूलता है वो वो चाह देखो जैसे मम्मी जो है बेसन का क्या, क्या बनाती है पेस्ट बनाती है नमक डालती है और उसको डाल सकती है लेकिन कुछ ऐसा कुछ वो क्या डालती है इन्ग्रेडियंट डालती है कुछ ऐसा पदार्थ डालती है जिसके कारण से हमारा पकौड़ा फूलता है, है ना और मज़ा भी आता है बरसात के दिनों में वो क्यों कैसे वो होता है पाक सोडा बेकिंग सोडा के नाम से आप या फिर ये बोलूँ कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्या होता है कुछ चीज़ें जैसे कि चना चना बनाते हैं छोले बनाते हैं है ना उस समय क्या होता है उसको उबालने के लिए डाइजेस्ट कर जैसे देखो वो उबलेगा नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा अब वो उबलता कैसे है सर टेम्परेचर में रख दो ताप आएगा फिर उबल जाएगा लेकिन वो इतना टाइट रहता है कि वो इजीली उबल नहीं पाता क्योंकि बहुत मात्रा में रहता है क्या करते हैं बेकिंग सोडा डाल दो वो उसको फुलाने का काम करता है जल्दी उबाल देता है तो ये देखो और ये सब क्या है बेकिंग सोडा के यूज है और इनो तो पता ही होगा भाई रात भर पार्टी किए फुल खाए पिए उसके बाद सुबह देखते हो पेट गड़बड़िया छह रुपए वाला इनो दो है ना यही तो चलता है ना ये सब क्या है बेकिंग सोडा का यूज है तो उसी बेकिंग सोडा के बारे में जान ही जाते हैं क्या बोलते हैं उसका रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है सर सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोला जाता है बेकिंग सोडा बोला जाता है चलो चलते हैं इसका प्रोडक्शन मेथड की ओर चलते हैं भाई अच्छा ये तो दिखाई दे रहा है खाने का सोडा

जल जली करना जलीविलियन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिए करके क्या बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया जाता है क्लियर हुआ बच्चों और साथ में उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा और एडिशनल चीज अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा यह रिएक्शन याद रखना भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा क्या अमोनियम क्लोराइड बात समझ में आई बच्चों हम क्या बोल रहे थे भाई हम ये बोल रहे थे कि सोडियम क्लोराइड अमोनिया जली विलियन इसका ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में क्या करना है भाई इसके साथ में रिएक्शन करा देना जैसे आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो बनता है क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड हमें इसकी जरूरत है तो इसको लेके चलना है तो ये क्या हो गया भाई ये प्रोडक्शन मेथड है पाक सोडा का अब बात करते हैं क्या अब हम बात करेंगे इसके बारे में इसका पाक सोडा के उपयोग क्या है मैंने बताया पहला ही उपयोग बता दिया क्या अमलीता दूर करने में पेट की अमलीता होती है उसको दूर करने में क्लियर दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है भाई? मैं अगर लिखू स्वाद की दृष्टि से स्वाद की दृष्टि से अगर बात करूं स्वाद की दृष्टि से रसोई घर में रसोई घर में उपयोग बात समझ में आई तीसरा क्या तीसरा है इसका उपयोग बहुत मुख्य रूप में अग्निशामक यंत्र में अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग होता है यह क्या होता है मैं अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं भाई एस टू एसओ फोर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो विलयन है वो जो है भरा रहता है कहाँ भाई आपके अग्निशामक यंत्र रहता है उसमें आग बुझाने में काम आता है ठीक तो ये हुआ पाक सोडा के उपयोग ये पूछा जा सकता है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ठीक है आगे बढ़े अब आगे हम देखते हैं क्या आप आप देखेंगे भाई आज किसी बारे में धावन सोडा के बारे में सर अभी पाक सोडा बेकिंग सोडा बोले अभी धावन सोडा क्या है भाई मैं कई बार बता चुका हूं इस चैप्टर में खाने के सोडा पीने का सोडा और कपड़ा धोने का सोडा और धावन सोडा ऐसा बोलते गया हूं एक बीच में एमसीक्यू कर रहा था तो एक एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हूं तो इसी कड़ी में मैं शुरुआत कर रहा हूं धावन सोडा का धावन सोडा क्या होता है भाई सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये कंप्लीट हाइड्रेट के रूप में भी लिख सकते हो या फिर इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहीं कहीं व्यक्त कह जाता है तो दोनों सही है लेकिन जरूरी अगर फार्मूला की दृष्टि देखा जाए अच्छे से तो टेन एस्टो लिख देना क्योंकि ये ज्यादा ज़्यादा नंबर भी मिल जाएगा लेकिन ये थोड़ा आ, कहा जा सकता है साइंटिफिकली अगर लिखा जाए तो इस रूप में इसको पाया जाता है धावन सोडा को इसका नामकरण क्या हो जाएगा बच्चों सोडियम कार्बोनेट्रेट डेका क्यों दस है सर इसका आंसर डेका ठीक क्लियर ये हुआ इसका रासायनिक नाम रासायनिक सूत्र ठीक इसे बोलते हैं धावन सोडा वाशिंग सोडा इसे बोलते हैं क्या सोडियम बाई सॉरी सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है ठीक अब आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं इसका प्रोडक्शन मेथड ये जो है दो से तीन टाइप होता है भाई ये देखो ये दिखाई दे रहा है जैसे कि आप घर में घरेलू यूज करते हैं जैसे कि किसी का कि नाम नहीं रहना चाहिए लेकिन जो जैसे कि आजकल कॉमन है बहुत एड आता है टाइड बहुत एड आता है किसका सर्फ एक्सल ये सब धावन सोडा है धावन सोडा मतलब है वाशिंग पाउडर ही है ना वाशिंग पाउडर नीरमा फेमस सॉन्ग भी है इसका तो ये सब जो है क्या है भाई कपड़ा धोने का काम आता है और क्या है ये ये एक छार है ठीक है ये समझ में आया बच्चों अब देखते हैं प्रोडक्शन मेथड उसका उत्पादन कैसे होता है सर हम देखते हैं कि सोडा जो है सोडियम, है ना? जो है, सोडियम से निम्नलिखित तीन चरणों में उत्पन्न होता है पहला सोडियम क्लोराइड के ठंडे और एनएसएल एनएस की पहले रिएक्शन सोडा बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस होगा पहला रिएक्शन ये बना दिया क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहला पहला मेथड अब इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब मैं आगे बढ़ूंगा तब मुझे समझ में आएगा कि इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को करके करके जो प्राप्त हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको पृथक कर लिया जाता है तथा तो अंत में फिल्ट करकेट फिर उसके बाद क्या करते हैं पृथक करते हैं फिर उसको ठंडा करते हैं फिर थोड़ी देर बाद गर्म करते हैं फिर उसके बाद अंत में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब घटित होकर किसमें सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है देखो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये मिल गया सोडियम सोडा छार बोलते हैं जैसे क्या सोडियम कार्बोनेट अब सोडा ये क्या हुआ सोडा जो प्राप्त तो हुआ इसको क्या कर देते हैं देखो दो स्टेप हुआ ये सेकंड स्टेप में था ठीक है अब थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चों अब ये जो आपको सोडियम प्राप्त तो हुआ सोडियम छार सॉरी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त तो हुआ इसको क्या करते हैं इसको दस जो है दस एम एल दस एम बोलता हूँ जी दस अनु ले लो आप जल के उसके साथ रिएक्ट करा दो फिर क्या होता है सर आपको प्राप्त हो जाएगा क्या आपको मिल जाएगा Na2CO3 टेन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये आपको प्रोडक्शन मिल जाता है ये आपको प्राप्त हो जाता है कब ये तीसरा स्टेप है आपको ये मिल गया ये अजल रूप में मतलब क्या सोडा छाप जो प्राप्त होता है ये निर्जली रहता है है ना इसमें जल नहीं रहता उसको जलीय अवस्था में लाने के लिए आपको वाटर में इसके साथ रिएक्ट करना पड़ता है भाई वाटर के साथ इसको रिएक्शन देना पड़ता है ठीक है तब जाके आपको क्या मिलता है सोडियम कार्बोनेट का

निर्मल कारक के रूप में मतलब क्या भाई साफ सुथरा करना है तो आप इसका यूज करके अपने कपड़ों को चमका सकते हैं है ना ठीक है और, और क्या बताया था मैंने कांच सिलिका सिलिकेट सीमेंट इन सब के आदि निर्माण में भी इसका यूज करके क्या आता है दो तीन और एग्जाम्पल है देख लेना भाई उपयोग जो है ठीक है तो ये समझ में आया आगे बढ़े अब देखते हैं कुछ और नया क्वेश्चन प्लास्टर जिसका उपयोग कहां होता है सबको पता है कहा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दू इससे पहले आपको पता चलना चाहिए जिप्सम के बारे में अब ये जिप्सम क्या है सर जिप्सम होता है क्या है चलते हैं फिर जिप्सम जिप्सम एक कैसा पदार्थ है भाई एक ठोस पदार्थ होता है ये ठोस नहीं होता ये पानी में मिलकर ठोस कर देता है ठीक है जिप्सम जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट ठीक है और उसका दो मात्र जल जल कर रहता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते जिसे है ना ये होता है जिप्सम इससे आप कर दो क्या इससे आप कर दो मीहाइड्रेट कर दो मतलब क्या कर दो बच्चों उससे हटा दो आप क्या दो मात्रा जल का था उसको आधा कर दो डेढ़ हिस्सा हटा दो जल का डेढ़ हिस्सा मतलब वन एंड हाफ है ना डेढ़ कंफ्यूज मत होना सर डेढ़ क्या होता है को डेढ़ बोला जाता है ठीक है और टू एंड हाफ को ढाई बोला जाता है ठीक है हाँ तो मैं बात कर रहा था क्या जिप्सम में जितना दिख रहा है उससे डेढ़ भाग उड़ा दो जल का वो बनता है क्या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जिसे क्या बोलते हैं बच्चों कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हो अर्ध हाइड्रेट भी बोल सकते हो रासायनिक नाम में ठीक है और रासायनिक सूत्र क्या रहेगा सी एस ओ फोर हाफ एस टू ये क्या कहलाता है यही कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस अब ये क्या है पेरिस नहीं जाना है हमको ये एक पदार्थ है जिसका उपयोग बहुत जगह होती है अब मैं थोड़ी देर में इसमें उपयोग में जाने वाला हूं लेकिन इसको बनाते कैसे इसको भी देख लेते हैं पहले अब हम देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उत्पादन कहाँ होता है भाई प्लास्टर पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है सर जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था और इसको कैसे बनाते हैं जिप्सम कैल्शियम सल्फेट देखो डाईहाइड्रेट दिख रहा है फिर रिएक्ट करके देखो इसे तोड़ के ये गर्म करते है जैसे ही फिर टूटता है क्या मिलता है भाई कैल्शियम सल्फेट हाफ हाफ़ दिख रहा है अर्ध अर्ध अर्ध, अर्ध दिख रहा है जल का मात्रा फिर एस्टू और जो डेढ़ बज गया उसको फेंक दो ये क्या कहलाता है बच्चों ये कहलाता है आपका निकल गया ये कहा था प्लास्टर आप इसको क्या बोलते है? कहां यूज होता है ये ये जस्ट आने वाला है है यूज होता श्री गणेश देखो भाई क्या गणेश जी के मूर्ति से लेकर बहुत जगह ऐसा ऐसा मूर्ति बनता है जिसका यूज कहाँ से करते हैं लोग कैसे करते हैं जो मूर्तिकार है वो लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज लेते हैं पुट्ठा टाइप रहता है ठोस रहता है उसका यूज करके वो मूर्ति बनाते हैं और हड्डी जिसका टूट जाता है है ना अगर मैं बोलूं तो बहुत सारा ऐसा ऐसे घटना होती रहती है हमारे भारत हमारे छत्तीसगढ़ हमारे जहां भी देखो तो वहां देखना आप कभी भी हॉस्पिटल जाओ किसी का हाथ टूट रहा है किसी का पैर टूट रहा है तो आप नोटिस करना उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद का कुछ लगा रहता है पट्टी टाइप लेकिन आप टच करके देखोगे तो पट्टी नहीं रहता कुछ ऐसा ठोस पदार्थ रहता है कुछ ऐसा मटेरियल यूज हुआ रहता है कि हाथ जो है हाथ नहीं लगता वो ढाई किलो का हाथ हो जाता है सन्नी देवल जैसे वो क्या है वही तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस वो क्या करता है पूरा आपके हाथ के जो बोन्स है हड्डी है उसको जो टूटा है तो उसको ब्रेक जो जहां पर पोर्शन ब्रेक हुआ है है ना उसको क्या करता है जोड़ने का काम करने का क्या करता है भाई वो प्रयास करता है हालांकि पूरे रूप से जुड़ता नहीं है डॉक्टर लोग का सजेशन रहता है कि उसमें रॉड लगेगा फिर रॉड लगने के बाद आपको आराम मिलेगा दो महीने का छुट्टी लीजिए ये बहुत सब चीज़ होता रहता है भाई तो वो मैं बोल रहा था कि जो लगा रहता है है ना जो प्लास्टर लगा रहता है वो आपको आराम देने के लिए आपकी हड्डी जहाँ पर ब्रेक हुआ है उसको क्या करता है ये आराम देता है इस खास प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है समझ में आया बच्चों ये समझ में आई और सर ये तो हुआ मूर्ति बनाने में ठीक है सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है हाथ और टूटता है उसमें सर ठीक है भी अब किस में और होता होगा सौंदर्य की दृष्टि से भी इसका यूज़ होता है अब ये क्या है सर अब आपके घर चमक रहा है बढ़िया अब कोशिश करना कि घर जब बनता है तो कुछ जो भैया लोग रहते हैं जो बनाते हैं घर को है ना बाहर से आए रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कुछ पीओपी बोलते रहते हैं सर ये पीओपी क्या है यही तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका यूज़ करते हैं डिजाइन बनाने में घर के जो देखना नोटिस करना जो ऊपर रहता है छत में, में सीलिंग में कुछ क्या करते हैं वो लोग डिज़ाइन लगाते हैं और डिजाइन से क्या करते हैं आपके घर का शोभा और बढ़ाते हैं और बहुत हल्का रहता है अगर डिजाइन लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा वेट का रहता है तो क्या होगा गिर जाएगा तो वो हल्का रहता है उसको ऊपर में सजा जाता है घर के देखना सीलिंग में नोटिस करना बच्चों और या फिर ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप क्या करना यूट्यूब में सर्च कर देना या फिर गूगल में सर्च करना पी ओ पी आपको तुरंत घर का सीलिंग दिखाई देने लग गया दे, डिजाइनिंग वाला तो ये सब यूज़ है किसका भाई पी ओ पी का किसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ तक तो बात समझ में आई तो हम ये इसी कड़ी में हम पढ़ रहे थे जीप्सों के बारे में जान गए पीओपी के बारे में जान गए खाने का सोडा और कपड़ा धोने का सोडा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है जो रिपीट भी होने के चांसेस है ये आपको अवेयर करा दिए हम कि पीओपी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है भाई ठीक है अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे क्या हम देखेंगे बच्चों का जो पोर्शन है जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे भाई तो मैं जैसा कि बता रहा था कि हमारा एग्जाम सीरीज मिशन 2023 चल रहा है आज तक आपने जितना भी वीडियो फॉलो किया बच्चों उसको अच्छे से पढ़िए अच्छे से रिपीट करिए और जितना भी आप और नया चाहिए तो उसके लिए आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को बिल्कुल बताइए इसके बारे में जो एग्ज़ाम सीरीज चल रहा है मिशन दो हज़ार तेईस टीम के सभी फैकल्टी आप लोग के लिए ईजी से ईजी टॉपिक और इजी से ईजी क्या कर रहे हैं भाई जितना बड़ा क्वेश्चन उसको इजी से इजी ला के आप लोग को अवेलेबल करा रहे हैं तो मैं यही चाहूँगा बच्चों आप लोग से और ये बोलूँगा कि पढ़ते रहो मस्त रहो कुछ दिन बचे एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं यू कैन डू इट आज के लिए इतना ही करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में धन्यवाद